से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दो घंटों में दो बार दो हिस्सों में बटी वैशाली एक्सप्रेस। ऑनलाइन मोबाइल फोन किया ऑर्डर, डिलीवरी के बाद डब्बा खोला तो उड़ गए होश। सीएम सिटी में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली बोर्ड की वीवीआईपी वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में लगे एसी कोच के कपलिंग अचानक देवरिया से चलने के बाद अलग हो गया और स्टेशन पर ही रह गया। ट्रेन बरौनी से चलकर दिल्ली जा रही थी। तेज झटके की आवाज से यात्रियों में भय का माहौल बन गया। नई दिल्ली गाजियाबाद। ऑनलाइन शॉपिंग का शौक रखने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर है। किस तरह ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का जाल बिछा है। गाजियाबाद पुलिस ने मुकुल गिरी और अफजल नाम के दो ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों अलग अलग नामी मोबाइल कंपनियों के प्रमोटर है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से मोबाइल खरीदने वाले लोग इनके निशाने पर थे। सरकार के लाख दावों के बाद भी प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में जरा भी कमी नहीं नजर आ रही। ताजा मामला तो सीएम सिटी का है, जहां एक विवाहिता की मौत के बाद माँ बाप ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दहेज के चलते विवाहिता की हत्या कर दी गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।